हे दिस इज केउल और आज आप देख रहे हो मेरी चैनल ट्रैवल विद केउल। आज हम जाने वाले हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और ये स्टैचू। ये मेरे पीछे ही है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और एक स्टैचू है। इस बोट से, यहाँ पे बोट खड़ी है, इस बोट से हम जाने वाले हैं ये स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। तो चलो चलते हैं, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हम यहाँ से बोट से उस बाजू जाने वाले हैं। वहाँ का सीनरी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल लाजवाब है। ये विवेकानंद मेमोरियल जाने का रास्ता है, सामने विवेकानंद मेमोरियल है। इन बोट में हम जाने वाले हैं विवेकानंद मेमोरियल। तो उसे जाने से पहले आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा 50 रुपीज़ का। तो हमने 50 रुपीज़ का टिकट लिया है और अभी ये विवेकानंद मेमोरियल सामने स्टैचू है, वहाँ पे जाने वाले हैं हम इस पर। और एक वहाँ पे टेम्पल भी है, तो दोनों करने वाले हैं हम। मास्क लगाना अनिवार्य है, इसलिए मास्क लगा के जा रहे हैं इस बोट में। ये जहाज में जाने की लाइन है, तो इस जहाज, ये हमारा जहाज रेडी हो गया है। तो इसी जहाज से हम जाने वाले हैं विवेकानंद मेमोरियल। ये लाइफ जैकेट फॉर सेफ्टी। वहाँ से हम आए यहाँ तक। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं। की एंट्री फीस 20 रुपीज़ है। फ्रेंड, कुछ इस टाइप के मंदिर के पास आ गए, श्री पाड़ा मंडपम ऐसा कुछ नाम है। ये मेरे पीछे है श्री पाड़ा मंडपम, उसी की तरफ जा रहे हैं। और पूरा पीछे समंदर है। इस मंदिर में जाना है, उसे कहते हैं श्री पाड़ा मंडपम। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ कल भी आए थे, बट बहुत बारिश हो रही थी, उस वजह से बोट बंद कर दी थी। तो हम 3 बजे से वेटिंग में थे, बट बारिश की वजह से बोट भी बंद हो गई, इसलिए कल पॉसिबल नहीं हुआ यहाँ पे आना। जब भी यहाँ पे बारिश होती है तब बोट बंद कर दी जाती है, लेकिन अब यहाँ पे घूम नहीं सकते। तो आज हम सुबह सुबह पहली लाइन में पेट्रोल निकल के सुबह सुबह 8 बजे यहाँ पे बोट में आ गए हैं। इसलिए फाइनली यहाँ पे आने के लिए हमें 2 दिन का वक्त लग गया। सो ये बोटिंग सुबह 8 बजे से चालू हो जाती है 6 बजे तक। सो आप यहाँ पे आते हो तो
सा पॉसिबल मतलब कोशिश करें कि सुबह 8-9 बजे यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है और इस वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और बोटिंग में भी आप बैठ नहीं सकते। जब वो पीछे उस मंदिर में थे, वहाँ से जेटी किया और इस मंदिर में आए यहाँ तक, तो वहाँ से यहाँ तक आने का 50 रुपया जो बोट का टिकट है वो, और इस मंदिर में एंट्री करना है आपको तो 20 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा, मतलब 70 रुपीज़ जो बोट का प्राइस है 50 रुपीज़ वो जाके आने का है, मतलब दोनों तरफ का 50 रुपीज़ है। इस तरफ का इसके बोलते हैं पाड़ा मंडपम। ये पाड़ा मंडपम में पहले हम पाड़ा मंडपम जाएंगे, उसके बाद श्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जो आप, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पीछे, ये रॉक मेमोरियल है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। सो चलो चलते हैं। अभी हमको आपको दिखा है वो, उसे श्रीपाद मंडपम कहते हैं। इसके सामने सभा मंडपम है, ये बड़ा सा मंदिर है, ये सभा मंडपम है। सो यहाँ पे लिखा भी है कि किसको क्या कहते हैं, और इसके जस्ट सामने हम जाने वाले हैं श्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अभी हम इस मंदिर में जा रहे हैं, अभी हमने ये मंडप का दर्शन कर लिया है, तो हम इधर इस मंदिर में जा रहे हैं। ये कुछ इस तरह का बड़ा सा मंदिर है, मंदिर तो बहुत ही बड़ा है क्योंकि उसके दरवाजे इतने बड़े हैं। तो ये सबसे टॉप पर आ गए, यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा आपको पूरा कन्याकुमारी। फ्रेंड्स, इस मंदिर में श्री स्वामी विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल है, और इस मंदिर को ही स्वामी विवेकानंद का रॉक मेमोरियल मंदिर कहा जाता है। सो इधर रॉक मेमोरियल है, और ये जो मूर्ति है वो किसी आदि कवि की मूर्ति है। सो करेक्शन के लिए आपको बता दूँ, ये रॉक मेमोरियल नहीं है, इस जो मंदिर है इस मंदिर में ही रॉक मेमोरियल है स्वामी विवेकानंद जी का। सो दिस इज फॉर करेक्शन। ये कुछ सन टाइम दिखाया है आर्किटेक्चर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है, उत्तरायण और ये कुछ लिखा है, सनराइज कैलेंडर है, ये उत्तरायण टाइप लिखा है, और ये कुछ लाइंस है उसमें, कोई अच्छे जन इसको डिकोड कर सकते हैं, हमसे तो डिकोड नहीं हुआ। यहाँ पे सन का कैलेंडर है, वहाँ पे Jan 10 दिख रहा है और February 1 दिख रहा है, मतलब माइट भी ऐसा होगा कि वो सूरज इस डायरेक्शन में, मतलब पृथ्वी के इस डायरेक्शन में यहाँ से सनराइज होगा, इस तारीख को इस लाइन से होगा, मतलब इस डायरेक्शन से दूसरे दिन, मतलब वन मंथ आगे जैसे जैसे जाते जाएगा उस टाइम उस डायरेक्शन में सनराइज होगा। सो इस टाइप का कुछ हो सकता है, और यहाँ पे सन टाइम भी दिखाया है। सो फ्रेंड्स, इधर त्रिवेणी संगम होता है, ये स्ट्रेट दिख रहा है वो हिंद महासागर है, ये इस साइड है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और मेरे दिस साइड मतलब ये साइड है ना, इस साइड है अरब सागर। सो इधर त्रिवेणी संगम होता है तीनों समुंदर का, ये हिंद महासागर, ये बे ऑफ बंगाल, ये हिंद महासागर, ये अरब सागर, ये तीनों सागर इस जगह पर मिलते हैं, और त्रिवेणी संगम होता है तीनों सागरों का। सो इस जगह का यही महत्व है कि यहाँ पे तीन सागर एक साथ मिलते हैं।
हमारी गाड़ी चार्ज पार्किंग में लग रही है। सो अभी हम यहाँ में यहाँ से उतरेंगे और तक पहुँच गए हैं। तो फ्रेंड्स ये तक के लिए इतना ही वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।